नमो नारायण, आप देख रहे हैं नमो न्यूज और इस वक्त हम एशिया के जो महावृक्ष है उनकी समाधि पे हम इस समय मौजूद है। देवता रेंज के अंतर्गत टोंस वन प्रभाग प्रोला का एक फॉरेस्ट है, इसके अंतर्गत हम इस वक्त है। हमारी कैमरा मैन है सृष्टि रावत, जो कि देहरादून से आई स्पेशल इसको फिल्मांकन करने के लिए हमारे साथ आई है। तो इनके साथ हम आपको कैमरामैन से अनुरोध करूंगा, ये एक बार पूरा घुमा दिखाइए इसको, ये फॉरेस्ट को, इसकी सुंदरता देखिए आप किस तरह से देखते ही बनती है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये टोंस वन प्रभाग का जो ये जंगल है, इस जंगल में सबसे ज्यादा वैरायटी के जो चीड़ के वृक्ष है यही पाए जाते हैं, 8 वैरायटी है इनकी। और जो रेजिन है इसका, जो लीसा निकलता है इस पेड़ का, इसकी जो क्वालिटी है इससे बेहतर कहीं पे पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में इस तरह का रेजिन नहीं निकलता है। इस तरह की उत्तम क्वालिटी का जो लीसा है वो नहीं निकलता है। तो जो एशिया का महावृक्ष है, एक बार मैं फिर से दिखा दूं कि इस वृक्ष के ये अवशेष जो आप देख रहे हैं, इस पेड़ की जो 1997 में इस वृक्ष को महावृक्ष घोषित किया गया था, तो तब इसकी ऊंचाई 60.65 मीटर यानी 60.65 मीटर थी और गोलाई 2.70 मीटर थी। लेकिन अब जब ये वृक्ष अब जीवित अवस्था में नहीं है, तो इनके जो अवशेष हैं वो रखे गए यहाँ पे दर्शनार्थ। नव न्यूज के सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम, मैं हूँ आपका दोस्त गजेंद्र चौहान। आज हम आपको टोंस वन प्रभाग के अंतर्गत देवता रेंज के उस स्थान पर लेके आए हैं जहाँ पर है एशिया के सबसे ऊंचे चीड़ के वृक्ष की समाधि है। इस स्थल पे हम आपको लाए हैं और आइए हम आपको दिखाते हैं जो अवशेष हैं, जो ये विशाल का है जो वृक्ष था चीड़ का, हम उसके अवशेष पे लेके चलते हैं आपको। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आके दिखाए, और पहले आप इस बोर्ड पे दिखाए, देखो यहाँ लिखा है उत्तराखंड वन विभाग देवता रेंज है, ये टोंस वन प्रभाग प्रोला के अंतर्गत ये देवता रेंज है, चीड़ महावृक्ष का संक्षिप्त इतिहास भी यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये देवता रेंज पे है, प्रोला त्यूनी मोटर मार्ग पे है, प्रोला से यहाँ की दूरी 40 किलोमीटर है और जो जनपद का मुख्यालय उत्तरकाशी वहाँ से 160 किलोमीटर है और त्यूनी से मात्र 20 किलोमीटर है। यह स्थान टोंस नदी के किनारे है। निर्मल कानल वृक्षारोपण वर्ष 1979 में हुआ यहाँ पे, नपत है। इस वृक्ष की ऊंचाई 60.65 मीटर है यानी 60.65 मीटर और जो गोलाई है इसकी 2.70 मीटर है। और इस पे पुरस्कार भी मिला भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1997 चीड़ महावृक्ष घोषित किया गया था इसको। तो ये स्थान देखिए बहुत ही रमणीय स्थल है, मैं देखिए हमने चारों तरफ बहुत बढ़िया ये है। और ये भी बता दूं यहाँ से जो विश्व विख्यात महासु टेम्पल है अनोल में महासु देवता का, वो भी थोड़ी ही दूर है यहाँ पर। मैं अभी वहाँ से दर्शन करके ही आया हूँ महासु महाराज के, और मैं इस महावृक्ष की समाधि पे आया हूँ, इनके भी दर्शन किए हैं। और आपको बता दूँ कि जो ये टोंस वन प्रभाग के जो फॉरेस्ट है इनका अपना महत्व है। इसका जो लीसा होता है वो नंबर 1 होता है, जो ये पेड़ में दिखा रहा हूँ इनसे जो लीसा निकलता है यानी रेजिन निकलता है, ये संपूर्ण जो उत्तराखंड हिमाचल के जो चीड़ के जंगल उनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी का ये चीड़ के हैं ये। और जो ये चीड़ के जो पेड़ हैं, ये बता दूँ टोंस वन प्रभाग के अंतर्गत ये 8 प्रकार की इनकी प्रजातियाँ हैं। मैं इतना बोटनी का नॉलेज नहीं रखता हूँ, फिर भी जो हमने थोड़ा अर्जित किया है, इन जंगलों में हम पैदा हुए हैं, इन जंगलों में घूम घूम के हमने देखा है कि जो ये पेड़ है इनकी वैरायटी होती है अलग अलग प्रकार की। वो 8 प्रकार के इनके पत्तों की पहचान के आधार पर, इनका जो साइज फैलाव के आधार पर हमने ये देखा है कि ये 8 प्रकार के पेड़ हैं इसके। और जो इसका रेजिन होता है हमने अन्य जगह पे जाके देखा, उतनी शुद्ध क्वालिटी का कहीं पैदा नहीं होता। यही नहीं, जो इसकी लकड़ी होती है ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है। जब यहाँ से ये देहरादून जाता है डिपो में, तो सबसे ज़्यादा हाई बोली पे इसकी लकड़ी बिकती है। तो आप रहिए ना बेखबर, नमो न्यूज के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसी अनेकों चीज़ें दिखाएंगे जिनमें ज्ञान भी हो, दर्शन भी हो और बोध भी हो। धन्यवाद, नमो नारायण।